हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पोको X3 बनाने वाले हैं। यदि आपके पास भी पोको X3 है कोई बनाने का, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और जल्द से जल्द पार्सल भेज दीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम डेड फोन कैसे रिकवर रिस्टोर करते हैं वो देखते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ, अभी तक कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। ज़्यादातर गाइस क्या प्रॉब्लम होता है पोको X3 में, ये जो प्रोसेसर है ये प्रोसेसर ड्राई हो जाता है। इसकी वजह से कई बार क्या क्या प्रॉब्लम है, यदि सेट डेड हो जाता है, कभी कभी टच वर्क नहीं करता है, कभी कभी फ़ोन ऑन भी नहीं होता है, कुछ के कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा मदरबोर्ड है। तो ये मदरबोर्ड में CPU डबल टाइगर CPU बोलते हैं इसे। तो आप जरा करीब से देख लीजिए, सीरियल नंबर वही है CPU का जो हम अभी बनाने वाले हैं। चलिए, और ये इस तरीके से कैमरे रहते हैं पोको X3 में। X3 में भी सेम ये रहते हैं, X3 प्रो में भी ये रहते हैं। अब आ गए हम अपने माइक्रोस्कोप में। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, CPU के आजू बाजू की जो ब्लू है वो सही तरीके से प्रॉपर जो है कटिंग कर देना है। तो उससे क्या होगा कि हम, और ये दो कैपेसिटर इसलिए निकाल रहे हैं हम गाइस, क्योंकि जो हमारे कैपेसिटर है वो CPU उठाने में कोई तकलीफ ना दे। और कटिंग आप प्रॉपर कीजिएगा तभी आपका CPU प्रॉपर उठेगा। चलिए अभी हम CPU डाल के, ब्लेड डाल के उठाने वाले हैं। यहाँ से हमारा CPU प्रॉपर गर्म हो चुका है। अभी जो हमारी जो ROM IC है वो उतारने वाले हैं अभी हम। ये देख लीजिए, अभी ROM IC में हमने ब्लेड डाल चुका है, ये ROM IC उतर गई है हमारी। चलिए ROM IC उठा के साइड में रखते हैं। अब आ जाते हैं हम ऊपर का जो हमारा CPU है वो साफ़ कर लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है साफ़ कर लेते हैं फ्लक्स लगा के थोड़ा। तो अभी हम कहीं से इसे साफ़ कर लेते हैं डिश होल्डर वायर की मदद से, और इसके बाद आप आगे चल। ये डिश होल्डरिंग वायर की मदद से हमें इसे सब साफ़ कर लेना है, फिर एक बार और क्लीन कर लेना है ब्लेड की मदद से। जितना भी ग्लू है सारा ही ग्लू साफ़ कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि बाद में जब अपन CPU उतारेंगे तो बाद में कोई तकलीफ नहीं होगी। और एक बार और फिर से पेस्ट लगा के प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेना है। तो इससे क्या होगा, हमारे जितने भी बॉल बड़े छोटे हैं वो एक लेवल में आ जाएंगे। देख लीजिए, इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं डिसऑर्डरिंग से वायर से साफ़ करने के लिए। ठीक है, अभी ये हो चुका है हमारा फाइनल गाइस। अभी हम ये ऊपर का CPU साफ़ करते हैं और इसे फटाफट ओपन करते हैं। ये CPU गर्म आ चुका है हमारा प्रॉपर। अब हम धीरे से ब्लेड डालेंगे अंदर, धीरे धीरे CPU उठाएंगे। ये देख लीजिए आप, ये CPU उठ चुका है हमारा। साथ में एक कैपेसिटर भी आ गया, वो बात अलग है, वो लगा लेंगे हम बाद में। चलिए अभी फटाफट CPU साफ़ करते हैं। पहले सबसे पहले मदरबोर्ड क्लीन कर दिया जाए अच्छे से। ये जो ग्लू वगैरह है पूरा पहले डिसऑर्डरिंग वायर से पहले साफ़ करेंगे, उसके बाद ग्लू कटिंग करेंगे। इसको एक बार साफ़ कर लिया जाए फिर से। चलिए अभी इसका ग्लू कटिंग कर देते हैं हम ब्लेड की मदद से। देख लीजिए एकदम साफ़ सुथरा हो गया हमारा PCB। चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोसेसर पे। प्रोसेसर को जो है क्लीन कर लेते हैं। ये थोड़ा आजू बाजू की जगह मदरबोर्ड की भी क्लीन कर लेना बहुत सही रहता है। देख लीजिए अभी हमारा बोर्ड एकदम बढ़िया हो चुका है। चलिए प्रोसेसर साफ़ करते हैं फटाफट। जितना भी ग्लू है ब्लेड की मदद से निकाल देते हैं हम, जितना भी ग्लू है ब्लेड की मदद से निकाल लेंगे। चलिए CPU प्रॉपर क्लीन कर लेते हैं हम, साफ़ सुथरी हो गई हमारी CPU। अब CPU हम रिवॉल्व करेंगे, स्टेंसिल को प्रॉपर रखेंगे, होल से होल मिलाएंगे और थोड़ा PPD लगाएंगे हम इससे। इसके बाद में थोड़ा सा PPD और पूरे सब तरफ अच्छे तरीके से मिलाएंगे तो क्या होगा गाइस कि एक भी छेद जो है वो छोटे बड़े नहीं बनने चाहिए बॉल। तो यानी प्रॉपर तरीके से PPD लगाएंगे। इसके बाद इसको क्लीन करेंगे कपड़े से, और इसके बाद हल्की हीट मारेंगे। हल्की हीट मारनी है, एयर कम रखनी है। 300 की हीट रही चलता है, एयर 2 पे चाहिए। तो हमारे बॉल जो एकदम मक्खन जैसे बनेंगे, देखो जैसा आप देख पा रहे हो एकदम ज़बरदस्त बॉल बन गए। देख लीजिए आपने, बॉल एक नंबर बने। चलिए अभी फटाफट हम लगाते हैं ROM को भी साफ करके। ये हमारी ROM भी साफ होने वाली है गाइस। चलो इसे भी रिवॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ये रिवॉल्व हो गई है, इसको भी साफ कर लेते हैं कपड़े से और हल्की हिट मारते हैं। ये भी एक नंबर बॉल बनेंगे गाइस, ये देख लीजिए जबरदस्त बॉल बने। चलिए चलिए थोड़ा पीपीडी बोल रहा हूँ थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे मदरबोर्ड में, तो उससे क्या होगा CPU प्रॉपर बैठेगा हमारा। चलिए अब हिट मारते हैं इसमें हल्की हल्की। चलिए हमारा CPU लग गया है। अब ROM लगा लेते हैं स्पीड में।
आपको जैसा आसान दिख रहा है वैसा आसान है ही नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है हमें आसान है। चलिए ये भी लग चुका है। चलिए गाइस देख लीजिए वही सीरियल नंबर है हमारे रूम आईसी का। चलिए अभी हम आगे चलते हैं, फोन को टेस्ट करते हैं फटाफट। फोन देख लीजिए ये ऑन हो चुका है हमारा फोन। यदि अगर आपको जैसा आपने देख पाया अभी हमारा फोन ऑन हो चुका है, अगर आपको भी इसी तरीके से आपका फोन रिपेयर कराना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।